हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं एक साल से लेकर के 2 साल तक के बच्चे की बेबी बूटीज लेके आई हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है। यहाँ पे मैंने बॉर्डर से स्टार्ट किया हुआ है और फिर बाद में बीच में यहाँ पे मैंने फंदे बढ़ाए हैं। नीचे यहाँ पे मैंने सोल बनाया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं बेबी बूटीज बनाना। फ्रेंड्स, आज हम 1 साल से लेकर के 2 साल तक के बच्चे की बेबी बूटीज बनाने वाले हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है। यहाँ पे मैं बेबी उल का इस्तेमाल करूँगी और 10 नंबर का यूज करूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम फंदे डाल लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं धागे को डबल कर लेती हूँ ऐसे करके। सबसे पहले एक ऐसे लूप बना लूंगी। अब हमने फंदे डालने हैं। यहाँ पे मैं 40 फंदे डालूंगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं 40 फंदे डाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 40 फंदे डाल लिए हैं। अब यहाँ पे मैं एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर बनाऊंगी। एक सीधा धागा अपनी तरफ करके, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करके, एक फंदा सीधा, धागे को अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे। धागे को पीछे करके एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। फ्रेंड्स, इस तरीके से यहाँ पे मैं एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर बनाते हुए दोनों तरफ से मैंने ऐसे ही बनाना है। एक सीधा एक उल्टा बनाते हुए मैं 2 इंच तक बॉर्डर कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक सीधा एक उल्टा बनाते हुए 2 इंच का बॉर्डर मैंने कम्प्लीट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर सेकेंड कलर को लगाऊंगी। पूरी रो को मैंने सीधा सीधा बुनना है। 2 रो मैं सीधी सीधी बुनूंगी दोनों तरफ से। सीधी साइड से भी पूरी रो को मैंने सीधा बुनना है और बैक साइड की पूरी रो को भी मैंने सीधा बुनना है, जिससे कि हमारी एक धारी बन के आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 2 लाइनें बना के कम्प्लीट कर ली है। दोनों तरफ से मैंने सीधा बुनते हुए 2 लाइनें कम्प्लीट कर ली हैं। अब हम सीधी साइड में आ गए हैं और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बीच में हमने मार्कर लगा दिया है। 18 फंदे हमारे इधर हैं और 18 फंदे हमारे इधर हैं। बीच में 4 फंदे हमने रखे हुए हैं, तो टोटल हमारे ये 40 फंदे हो गए। अब हम सीधी साइड में आ गए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हमने डोरी डालने के लिए जाली डालनी है। सबसे पहले 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। उसके बाद 2 फंदों को हमने एक करना है। लूज कर लेते हैं पहले फंदों को, उसके बाद दोनों फंदों को एक साथ हम सीधा बुन लेंगे। फिर धागे को ऐसे लपेटेंगे यानी जाली डालेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हैं 4 फंदे हमारे हो गए, 1 2 3 4। इन्हीं 4 फंदों को हमने आगे दोहराना है। फिर से 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2। 2 फंदों को हम एक करेंगे। सबसे पहले हम फंदों को लूज कर लेते हैं और 2 फंदों का एक कर देंगे हम सीधा बुनते हुए। अब 3 फंदे हो गए। धागे को ऐसे लपेटेंगे और पीछे की तरफ को ले जाएंगे, यानी हमारी यहाँ पे हमने एक जाली डालनी है। फिर से 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2। 2 फंदों को हमने एक करना है सीधा बुनते हुए। ये 3 फंदे हो गए। धागे को ऐसे लपेटेंगे, 4 फंदे हो गए। फिर से 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे और 2 फंदों को पहले हम लूज कर लेते हैं। दोनों फंदों को एक साथ हम आगे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। ऐसे जाली डालेंगे। अब मार्कर से पहले हमारे 2 फंदे बचे हुए हैं, फंदों को हमने सीधा बुनना है। तो ये मार्कर तक हमने 4 जाली डाल ली है, 1 2 3 4। मार्कर को हम ऐसे इधर ले लेंगे। अब बीच में 4 फंदे हैं। अब यहाँ पे हमने फंदों को इंक्रीज करना है, यानी अब यहाँ पे हम फंदों को बढ़ाएंगे। एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, धागे को अपनी तरफ लाएंगे यानी फंदा बढ़ाएंगे और एक जाली बनाएंगे और 2 फंदे हम सीधे बुन लेंगे, 1 2। अब यहाँ पे हमारी एक जाली बन गई है और एक फंदा हमारा यहाँ पे बढ़ गया है। अब धागे को अपनी तरफ लाएंगे, लास्ट वाले फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे हमारा एक फंदा बढ़ गया और एक हमारी जाली बन गई। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से क्या होगा कि बीच में हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे हमारी अभी एक जाली बनाई है, ऐसे हमने 5 जाली बनानी है। तो एक जाली तो हमने बना ली है। मार्कर को ऐसे लेंगे और फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान से देखिएगा, अब इधर की तरफ जो फंदे हैं इसी तरीके से हमने यहाँ पे बनाना है।
तो देखिएगा जैसे ये फंदे हैं इसी तरीके से हमने फंदों को इधर लेना है। सबसे पहले हमने मार्कर से पहले दो फंदे सीधे बुने हैं, फिर जाली डाली है, फिर दो फंदों का एक किया है। तो ऐसे ही इधर करेंगे हम, सबसे पहले दो फंदे हम सीधे बुनेंगे। अब दो फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं, अब जाली डालेंगे यानी धागे को अपनी तरफ लाएंगे और ऐसे पीछे की तरफ ले जाएंगे और दो फंदों को हमने एक कर रहे हैं। दो फंदों का हम एक कर देंगे, पहले फंदों को लूज़ कर लेते हैं और आगे की तरफ से दोनों फंदों को एक साथ हम सीधा बुन लेंगे। जैसे कि हमने इधर किया था मार्कर से पहले दो फंदे सीधे फिर जाली फिर दो का एक, ऐसे इधर भी है दो फंदे सीधे फिर जाली फिर दो फंदों का एक। यही चार फंदे हमने आगे दोहराने हैं। दो फंदे हम सीधे बुनेंगे, एक दो, फिर जाली डालेंगे, फिर दो फंदों का एक करेंगे, धागे को अपनी तरफ लाएंगे और दो फंदों को हमने एक करना है। जब हम सीधा बुनेंगे दो फंदों को एक साथ तो यहाँ पे एक फंदा हमारा बढ़ जाएगा और एक हमारी जाली बन जाएगी। तो टोटल ये हमारे चार फंदे हो गए। फिर से दो फंदे हम सीधे बुनेंगे, एक दो, धागे को अपनी तरफ लाएंगे और दो फंदों को हमने एक करना है। लूज़ कर लेते हैं पहले फंदों को, आगे की तरफ से दोनों फंदों को एक साथ हम सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे हमारी एक और जाली बन गई है। फिर से दो फंदे हम सीधे बुनेंगे, धागे को अपनी तरफ लाएंगे, जाली डालेंगे, पहले फंदों को हम लूज़ कर लेते हैं और दोनों फंदों को एक साथ हम दो का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। तो लास्ट में दो फंदे हमारे बचे हैं, दोनों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे हमारी ये वाली रो बनके कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे हमारी जाली परफेक्ट बन के आई है। चार जाली हमारी इधर है और चार जाली हमारी इधर है। बीच में मार्कर जो है इसके बीच में हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे। अब आते हैं बैक साइड में। पहले फंदे को उल्टे फंदे की तरह उतारेंगे, धागे को पीछे करके सभी फंदों को हमने सीधा सीधा बुनना है। फ्रेंड्स, जाली वाले फंदे को बहुत ध्यान से बुनिएगा। ये जाली वाला फंदा है, इसको ध्यान से बुनना है क्योंकि फ्रेंड्स यदि जाली वाला फंदा स्लिप हो जाता है तो काउंटिंग हमारी गलत हो जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ बैक साइड की पूरी रो को सीधा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं सीधी साइड में। अब हमने क्या करना है, मार्कर तक सभी फंदों को सीधा बुनना है क्योंकि अब हम जाली नहीं बनाएंगे। अब यहाँ तक सभी फंदों को हमने सीधा बुन लिया है। अब ये मार्कर आ गया हमारा। अब बीच के फंदों को ध्यान से देखना है फ्रेंड्स। अब बीच में देखिएगा, पहले चार फंदे थे, अब छह फंदे हो गए। तो इस तरीके से लगातार हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे हमने एक जाली बना ली है, अब हम दूसरी जाली बनाएंगे। इस तरीके से हमने पाँच जाली बनानी है। सबसे पहले वाले फंदे को हमने सीधा बुनना है, उसके बाद हमने जाली बनानी है। धागे को अपनी तरफ ला के हमने जाली बनानी है। अब बीच के फंदों को हमने सीधा सीधा बुनना है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे एक फंदा हमारा बढ़ गया है और साथ में हमारी यहाँ पे जाली भी बन गई है। तो बीच के फंदों को हम सीधा बुन लेंगे और लास्ट वाले फंदे को छोड़ देंगे। अब ये लास्ट वाला फंदा हमारा बचा है, उससे पहले हमने जाली डालनी है यानी धागे को अपनी तरफ लाएंगे और लास्ट वाले फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। धागे को अपनी तरफ ला के जब हम अगला फंदा सीधा बुनते हैं तो यहाँ पे हमारा एक फंदा बढ़ जाता है, साथ में हमारी यहाँ पे एक जाली बन जाती है। अब मार्कर को ऐसे ले लेंगे। अब आगे के फंदों को हमने सीधा सीधा बुनना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी हमने दो जाली बना ली है, तीन जाली और बनानी है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने एक बूट बनाया हुआ है पहले से ही, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने पांच जाली बनाई है, एक दो तीन चार पाँच। ऐसे ही हमने इस वाली बूट में भी पांच जाली बनानी है। दो जाली हम बना चुके हैं फ्रेंड्स। बैक साइड की पूरी रो को मैंने सीधा सीधा बुनना है। जब सीधी साइड में आऊंगी तो ये मार्कर तक मैंने सभी फंदों को सीधा बुनना है। फिर यहाँ पे आके मैं पहले फंदे के बाद यहाँ पे जाली बनाऊंगी, फिर बीच के फंदे को मैं सीधा सीधा बुनूंगी, लास्ट के फंदा जो है उससे पहले मैं एक जाली बनाऊंगी, उसके बाद लास्ट वाले फंदों को सीधा बुन के इधर के फंदों को मैं सीधा सीधा बुनूंगी। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं तीन जाली और बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने दो जालियाँ बनाई थी,
वैसे मैंने तीन और जालियां बना ली हैं, टोटल ये हमारी पांच जाली हो गई हैं। 1 2 3 4 5, पांच जाली हमारी बन गई हैं। पांच जाली हमारी इधर हैं, पांच जाली इधर हैं, तो दोनों तरफ से हमने एक एक फंदा बढ़ाया है। मार्कर के अंदर हमारे 14 फंदे हो गए हैं। अब आगे हमने क्या करना है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, ये टोटल हमारे 18 फंदे हैं। 18 फंदों को मैं सुई की हेल्प से धागे में ले लूँगी। अठारह फंदों को मैंने सुई की हेल्प से धागे में ले लिया है। अब ये मार्कर को ऐसे निकाल दूंगी। अब हमने क्या करना है, इधर का भी एक फंदा ले लेना है। जो जाली के अंदर फंदे हैं इनको आगे हमने बुनना है। एक फंदा हम इधर का भी ले लेते हैं मार्कर के अंदर वाला। अभी हमारे पास 19 फंदे हो गए। अब यहाँ पे मैं ऐसे नोट लगा दूंगी ताकि फंदे हमारे बाहर को ना निकले। अब यहाँ पे मैं दूसरा धागा अटैच कर लेती हूँ और बीच के जो 12 फंदे हैं इनको मैं सीधा बुनूंगी। पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। अब हमने जाली के अंदर वाले फंदों को लिया है, ये 12 फंदे हैं। अब एक फंदा जो हमारा मार्कर के अंदर है इस फंदे को हम दूसरी तरफ शामिल कर लेंगे। अब ये बीच में 12 फंदों को हमने बुनना है। अब इधर के जो फंदे हैं इनको भी मैं सुई की हेल्प से धागे में ले लूँगी। अब मार्कर को निकाल देंगे। दोनों साइड में हमारे 19-19 फंदे हैं और बीच में हमारे 12 फंदे हैं। फ्रेंड्स आप चाहे तो इन फंदों को दूसरी सिलाई पे भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने धागे में ले लिया है। अब ये दोनों फंदों को मैंने अलग कर लिया है सिलाई से। अब बीच में हमारे सिर्फ 12 फंदे हैं। अब ये 12 फंदों को दोनों तरफ से हमने सीधा सीधा बुनते जाना है। अब हम बैक साइड में आते हैं। पहले फंदे को हम पर्लवाइज स्लिप कर लेंगे उल्टे फंदे की तरह, धागे को पीछे करेंगे और जो बीच में फंदे हैं इनको हमने सीधा बुनना है। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक निशानी लगा लेती हूँ ताकि आगे की रो काउंट करने में हमें इजी हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक मार्कर लगा देती हूँ क्योंकि आगे हमने 16 रोज बनानी है तो हमें काउंट करने में इजी हो जाएगा। अब ये 12 फंदों को मैंने सीधा सीधा बुन लिया है। हर बार जब भी हम रो स्टार्ट करेंगे तो पहले फंदे को पर्लवाइज हमने स्लिप करना है, धागे को पीछे करेंगे और आगे के सभी फंदों को हमने सीधा सीधा बुनना है। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 16 रोज बनानी है। यहाँ से हम काउंट करेंगे तो मैं बना लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे जो मैंने मार्कर लगाया है इसके बाद मैंने 16 लाइनें बना ली हैं। मार्कर के बाद हमारी 8 धारियाँ बन के आई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 धारियाँ हमारी बन गई हैं। और यहाँ पे मैंने धागे को कट कर दिया है। इधर जो फंदे थे धागे में वो मैंने सिलाइयों पर ले लिए हैं। अब मैं इन फंदों को सीधा सीधा बुनूंगी। पहले फंदे को उल्टे फंदे की तरह उतार के धागे को पीछे करके और ये जो हमारे 19 फंदे हैं इनको मैं सीधा सीधा बुन लूँगी। अभी इन फंदों को मैंने सीधा सीधा बुन लिया है। अब इधर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इधर हमारे बॉर्डर के बाद 6 धारियाँ बन के आई हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 6 धारियाँ हमारी इधर बनी हुई हैं। 6 ही धारियाँ हमारी इधर बनी थी। अब इधर एक रो मैंने बना ली है पूरी सीधी सीधी बुन के। अब फ्रेंड्स अब हमने क्या करना है, यहाँ से हमने फंदों को उठाना है। यानी 8 फंदे हम इधर से उठाएंगे। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये हमारी सिधाई है। अब यहाँ से हम फंदों को उठाएंगे। अब देखिएगा फ्रेंड्स इसी की सिधाई में हमने फंदों को उठाना है। ऐसे करके लेंगे
और इसको एक फंदा यहाँ हमारा बन गया है। यहाँ पे थोड़ा टाइट करके रखिएगा। अब यहाँ पे हम दूसरा फंदा उठा रहे हैं, दो तीन चार पाँच छः सात और ये आठ, ये हमने आठ फंदे उठा लिए हैं। अब इन फंदों को हम सीधा सीधा बुनेंगे। ये जो पीछे का धागा हमने कट किया था इसको ऐसे दबाते हुए चलेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं दूसरी सिलाई लगा लूँगी क्योंकि एक सिलाई में बहुत सारे फंदे हो जाते हैं तो बुनने में थोड़ी परेशानी हो जाती है। आगे चल के हम एक ही सिलाई में ले लेंगे सारे फंदों को। अब यहाँ से मैं दूसरी सिलाई ले लेती हूँ। अब इधर भी हमने आठ फंदे उठाने हैं। फ्रेंड्स मार्कर लगाने से हमें बहुत फ़ायदा होता है, हमें काउंट नहीं करना पड़ता, बार बार देखना नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या करना है, ये मार्कर तक हमने आठ फंदे उठाने हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये मार्कर वाली लाइन है जहाँ से हमने फंदे बुनना शुरू किया था। तो यहाँ पे मैंने आठ फंदे उठा लिए हैं। अब इधर के जो फंदे हैं इनको पहले मैं सिलाई पे ले लूँगी, उसके बाद मैंने इधर के फंदों को भी सीधा सीधा बुनना है। तो सबसे पहले इन फंदों को मैं सिलाई पे ले लेती हूँ। तो फ्रेंड्स इधर जो फंदे धागे में थे इन फंदों को भी मैंने सिलाई में ले लिया है। अब इन फंदों को भी मैं ऐसे करके सीधा सीधा बुन लूंगी। अब हम बैक साइड में आ गए हैं। सभी फंदों को हमने सीधा सीधा बुनना है। पहले फंदों को पर्लवाइज उतारेंगे और आगे के सभी फंदों को मैंने सीधा सीधा बुनना है, यानी पूरी रो को सीधा बुनते हुए मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ आगे क्या करना है। अब हम बैक साइड में मैंने क्या किया है, दो सिलाइयों में ही सारे फंदों को ले लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने बैक साइड की पूरी रो को सीधा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं सीधी साइड में। फ्रेंड्स अब मैं सीधी साइड में आ गई हूँ। अब यहाँ पर मैं दो लाइनें पिंक कलर से बनाऊँगी। दोनों तरफ से मैं सीधा सीधा बुनूंगी। अब सभी फंदों को मैंने सीधा सीधा बुनना है पिंक कलर से, सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी। दो लाइनें मैं पिंक कलर से बनाऊंगी और दो लाइनें मैंने स्काई ब्लू कलर से बनानी है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे 10 लाइनें बनानी हैं, दो लाइनें एक कलर से और दो लाइनें एक कलर से। तो यहाँ पे फ्रेंड्स पूरी रो को मैं सीधा सीधा बुन के कंप्लीट कर लेती हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स आप बूट में देख रहे होंगे, फ्रेंड्स ये वाली रो हम बना चुके हैं दो लाइनें। अब हम ये वाली पिंक कलर वाली दो लाइनें बनाएंगे, उसके बाद दो लाइनें हम स्काई ब्लू कलर से बनाएंगे, उसके बाद दो लाइनें हम पिंक कलर से बनाएंगे, उसके बाद दो लाइनें हम स्काई ब्लू कलर से बनाएंगे। यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैंने पांच लाइनें बनानी हैं, एक दो तीन चार पाँच। तो अब हम ये वाली लाइन बना रहे हैं। मैं पांच लाइनें बना लूँगी फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि नीचे हमने तला बनाना है। तो सबसे पहले मैं पांच लाइनें बना लेती हूँ दोनों तरफ से सीधा सीधा बुन के, फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सभी फंदों को एक सिलाई में ले लिया है और ये हमारी पांच धारियाँ बनके कंप्लीट हो गई हैं। 1, 2, 3, 4, 5। अब ये टोटल निडल पे मेरे यहाँ पे 66 फंदे हैं। यहाँ पे मैंने 4 मार्कर लगाए हैं, 1, 2, 3, 4। पहला मार्कर मैंने 6 फंदों के बाद लगाया है, इधर भी मैंने 6 फंदों के बाद मार्कर लगाया है। पहले मार्कर और दूसरे मार्कर के बीच में 20 फंदे हैं, फोर्थ और थर्ड मार्कर के बीच में 20 फंदे हैं और सेंटर में हमारे यहाँ पे 14 फंदे हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो सेंटर में हमारे पास यहाँ पे 14 फंदे हैं, तो टोटल हुए हमारे 66 फंदे। अब इस रो को बहुत ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हम अपने बूट का सोल बनाने वाले हैं, यानी बूट का हम तला बनाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये हम तला बनाने जा रहे हैं। फ्रेंड्स हमें ये ध्यान रखना है, पहला और तीसरा मार्कर से पहले हमने 2 फंदे घटाने हैं, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। मार्कर लगाने का हमें यही फ़ायदा होता है कि हमें बार बार देखना नहीं पड़ता, काउंट नहीं करना पड़ेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि पहले मार्कर से पहले हमने 2 फंदे घटाने हैं और तीसरे वाले मार्कर से पहले हमने 2 फंदे घटाने हैं, दूसरे और चौथे मार्कर के ठीक बाद में हमने 2 फंदे घटाने हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिएगा फ्रेंड्स कैसे करेंगे हम। पहले फंदों को उल्टे फंदे की तरह उतारेंगे, धागे को पीछे करेंगे और आगे के 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे। तो ये टोटल हमारे 4 फंदे हो गए हैं। अब ये पहला वाला मार्कर है, उससे पहले हमने 2 फंदों का एक करना है। पहले हम फंदों को लूज कर लेते हैं, फिर 2 फंदों का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। अब यहाँ पे एक फंदा हमारा घट गया है। अब मार्कर को राइट हैंड के निडल पे ऐसे ले लेंगे। अब बीच में हमने जो 20 फंदे हैं इनको हमने सीधा सीधा बुनना है। अब हम दूसरे मार्कर के पास आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, दूसरे मार्कर के ठीक बाद में हमने 2 फंदों को घटाना है। तो 20 फंदे हमने सीधे बुनने के बाद मार्कर को इधर ले लेंगे। अब हमने मार्कर के ठीक बाद में 2 फंदों को एक करना है। बस हमें यही ध्यान रखना होगा, पहले और तीसरे मार्कर के ठीक पहले हमने 2 फंदों का एक करना है, दूसरे और चौथे मार्कर के बिल्कुल बाद में हमने 2 फंदों का एक करना है। दूसरे मार्कर के बाद हमने 2 फंदों का एक कर दिया है, अब आगे के फंदों को हमने सीधा सीधा बुनना है, बस लास्ट के 2 फंदे छोड़ के। अब ये हमारे 2 फंदे बच गए हैं, ये हमारा तीसरा मार्कर है। तीसरे मार्कर के ठीक पहले हमने 2 फंदों का एक करना है। इस मार्कर को ऐसे ले लेंगे, बाद में जो 20 फंदे हैं इनको हमने सीधा सीधा बुनना है। फंदे गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सिर्फ मार्कर से आप ध्यान रखिएगा। अब ये चौथा मार्कर आ गया है हमारा, इसको ऐसे ले लेंगे। चौथे मार्कर के ठीक बाद में हमने 2 फंदों का एक करना है। और आगे के 4 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। फ्रेंड्स इस तरीके से ये रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब बैक साइड की पूरी रो को हमने सीधा सीधा बुनना है। जब हम फ्रंट साइड में आएंगे इसी प्रोसीजर को फॉलो करना है। ऐसा हमने 5 बार और करना है। एक बार हमने फंदों को डिक्रीज कर लिया है, एक बार में हमारे 4 फंदे घटे हैं, तो यानी हमने 5 बार और फंदों को घटाना है। जब भी सीधी साइड में आएंगे तो हमने इसी प्रोसीजर को फॉलो करना है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से क्या होगा कि हर बार में हमारे 4 फंदे घटेंगे तो हमने 5 बार और घटाने हैं, तो टोटल हमारे 24 फंदे घट जाएंगे, जबकि हमारे पास 66 फंदे थे तो 24 फंदे घट जाएंगे, लास्ट में हमारे पास 42 फंदे बचेंगे। आगे मैं बना लेती हूँ फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 5 बार डिक्रीजिंग कर ली है, 1, 2, 3, 4, 5। अब मैं 6ठी बार डिक्रीजिंग करूँगी। अब फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ये मार्कर के पहले अब हमारा एक फंदा बचा हुआ है। अब हमने कैसे करना है, सबसे पहले एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, अब ये मार्कर को ऐसे निकाल देंगे। अब एक और फंदा हम सीधा बुनेंगे,
यहाँ पे हम दो फंदों का एक कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे एक फंदा हमारा घट गया है। अब आगे के फंदों को हमने वैसे ही बनाना है जैसा कि अभी तक हम बनाते आए हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि पहले और तीसरे मार्कर के ठीक पहले हमने दो फंदों का एक करना है और दूसरे और चौथे मार्कर के ठीक बाद में हमने दो फंदों का एक करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने ऐसे ही करना है। फ्रेंड्स लास्ट में हमारे मार्कर के बाद एक फंदा बचा हुआ है, इसको कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊंगी। बीच के फंदों को हमने वैसे ही बनाना है जैसा कि अभी तक हम बनाते आए हैं। अभी हमारा दूसरा मार्कर आ गया है, इसको निकाल देंगे। दूसरे मार्कर के ठीक बाद में हमने दो फंदों का एक करना है। अब ये तीसरा वाला मार्कर आ गया है, इसके ठीक पहले हमने दो फंदों का एक करना है। उसके बाद इस मार्कर को ऐसे निकाल देंगे। और आगे के फंदों को हमने सीधा सीधा बुनना है। अब जो चौथा मार्कर आएगा उसके बाद में हमने दो फंदों का एक करना है, लेकिन यहाँ पे हमारा सिर्फ एक फंदा बचा हुआ है। तो उसको हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। इस रो को मैं पूरा सीधा सीधा बुनूंगी। मार्कर मैं निकाल देती हूँ। अब आते हैं बैक साइड में। अब यहाँ पे हमने दो फंदों का एक करना है जैसे कि हमने यहाँ स्टार्टिंग में किया था। अब इधर हम बैक साइड से कर रहे हैं। पहले फंदे को हम सीधा बुन लेंगे और दूसरे फंदे को भी हम सीधा बुनेंगे। पहले फंदे को हम दूसरे वाले फंदे के ऊपर से पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा एक फंदा घट गया है। अब आगे के सभी फंदों को हमने सीधा सीधा बुनना है। और बैक साइड की पूरी रो को सीधा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब फ्रंट साइड में आते हैं। फ्रेंड्स अब यहाँ पे निडल पे मेरे 42 फंदे हैं। 6 बार हमने डिक्रीजिंग करी है तो यानी 24 फंदे हमारे कम हो गए। 66 फंदे थे जिसमें कि 24 फंदे हमारे लेस हो गए। तो यहाँ पे मेरे 42 फंदे बचे हुए हैं। अब हमने सभी फंदों को बंद करना है। दो फंदों को सीधा बुन लिया है। अब पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे को ऊपर से पास कर देंगे। फिर से एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से पास कर देंगे। फ्रेंड्स फंदे बंद करने का जो भी तरीका आपको सही लगता है वो आप कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं इस तरीके से बंद कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं सभी फंदों को बाइंड ऑफ कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सभी फंदों को बंद कर दिया है। अब यहाँ पे मैं ऐसे कट कर दूंगी धागे को। इस लूप के अंदर से इस धागे को ऐसे पकड़ के ऐसे खींच दूंगी। अभी हमारी बूटीज बन के कम्प्लीट हो गई है। अब हमने इसको सिलना है। सीधा वाला पोर्शन अंदर रखेंगे और उल्टा वाला भाग हमारा बाहर की साइड में रहेगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं सिलूंगी। सबसे पहले ऊपर मैंने पक्का कर देना है। जितना हमारा पिंक पोर्शन है उसको मैं पिंक धागे से सिलूंगी। अब इसको मैं ऐसे सीधा कर लूंगी। दो धागे इधर से दो धागे लूंगी और इधर से भी मैं दो धागे लूंगी और इसको ऐसे सिल देंगे। फिर से इधर से मैं दो धागे लूंगी, एक दो, ऐसे दो धागे लूंगी इधर से और इधर की तरफ से भी मैं दो धागे लूंगी, एक दो। दो धागे मैं इधर से लूंगी और दो धागे मैं इधर से लूंगी। इस तरीके से मैं पूरा सिल लूंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने बूट को सिल के कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसको सीधा करती हूँ। तो फ्रेंड्स ये बूट हमारा बन के कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स अब यहाँ पे मैं डोरी डालूंगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितनी आसानी से बनके तैयार हो जाता है। यहाँ पे जो हमारा सोल है इसकी लंबाई मैं आपको बता देती हूँ।
ये हमारे बूट का जो सोल बन के तैयार हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पे 5 इंच के लगभग हमारी सोल की लंबाई बन के तैयार हुई है। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने दूसरे वाले बूट में डोरी डाली है, सेम ऐसी डोरी मैं इस वाले बूट में भी डालूंगी। फ्रेंड्स डोरी की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, मैंने बहुत किस्म की डोरियाँ उसमें बताई हुई हैं, तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। देख सकते हैं ये सॉक्स बन के हमारी कम्प्लीट हो गई है, देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। फ्रेंड्स आप भी बनाइएगा अपनों के लिए। फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। फ्रेंड्स यदि पसंद आता तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।